तो कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी सॉन्ग में अपना नाम कैसे डाल सकते हो, वो भी आसान तरीका से बताने वाला हूँ। बिल्कुल आसान है वो तरीका, जहाँ से आप अपने किसी भी सॉन्ग में अपने नाम या फिर नंबर अच्छी क्वालिटी में आप डाल सकते हो और बजा सकते हो डीजे पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं आप किसी भी सॉन्ग में अपना नाम कैसे डाल सकते हो। चलिए फ़ोन के स्क्रीन पर। इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो भाई मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हो प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमर टेक भाई। चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और मैंने बात किया था वॉइस टेक के लिए, तो फिलहाल वो पिछले वाले वीडियो एक मेरा वॉइस टेक वाला है, वो देख के अभी जाके कमेंट करो और वॉइस टेक आपको कल मिलने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते फ़ोन के स्क्रीन पे और हम बताते अपने नाम का डीजे सॉन्ग कैसे बनाएं, मतलब किसी भी सॉन्ग में अपना नाम कैसे डालें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है ये एप्लीकेशन है और इसको डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है डीजे नेम मिक्सर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे ये डीजे नेम मिक्सर मेकर डीजे नेम मिक्सर एडवांस। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला यहाँ पे ये करना है डीजे नेम मिक्सर एडवांस। अगर ये करोगे तो वर्क करेगा और अगर इसके नीचे वाले करोगे तो ये वर्क नहीं करता है, मैंने किया था। ओके, तो आप फिलहाल डीजे नेम मिक्सर एडवांस करना है जब भी आपके फ़ोन में वर्क करेगा। तो डाउनलोड करने के बाद इसे करना है फिलहाल ओपन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिख जाएगा, देख सकते हो जैसे कि कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट मिक्सिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एंड मिक्स योर नेम ओवर द सॉन्ग। यहाँ पे मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे दे रखा है, सिंपल टू यूज, बेस्ट डीजे नेम वॉइस, रिकॉर्डिंग फ्यूचर, साउंड इफेक्ट, ये भी प्लेयर MP3 सेव देख सकते हो एंड एडजस्ट वॉल्यूम और सेट डीजे नेम गैप और बीट रेट। यहाँ पे इतना सारा फ्यूचर्स इसमें डाल रखे हैं। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट मिक्सिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो तो पहले लैंग्वेज भी यहाँ पे सेलेक्ट करने को बता रहा है आपको, तो इंग्लिश ही रहने देता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्ट मिक्सिंग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप स्टार्ट मिक्सिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ के आपके फ़ोन में जितने भी सॉन्ग होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। तो आपको कोई सा भी सॉन्ग चूज़ कर लेना जिसमें आपको अपना नाम डालना हो। तो सबसे पहले मैं एक सॉन्ग यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे आप ऐड आ गया तो थोड़ी देर आप ऐड चलने देना है। तो फिलहाल मैंने ऐड यहाँ पे वॉच कर लिया एंड देख सकते हो सॉन्ग यहाँ पे आ चुका है इसमें। तो सॉन्ग अभी ऊपर में देख सकते हो आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो सॉन्ग आ चुका है। अब नीचे आपको दिख जाएगा चॉइस ऑप्शन टू सेलेक्ट योर डीजे वॉइस। तो यहाँ देख सकते हो बेस्ट ऑनलाइन वॉइस मेक वॉइस यूज टेक्स और डिवाइस TTS और रिकॉर्ड योर डीजे नेम यूजिंग इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस। तो इसका मतलब यहाँ से आप ऑनलाइन बना सकते हो। और दूसरा है मेक वॉइस यूजिंग टेक्स और डिवाइस TTS, मतलब आप यहाँ पे लिख के भी बना सकते हो। और तीसरा है यहाँ पे रिकॉर्ड योर डीजे नेम यूजिंग माइक, तो आप माइक लगा के इसे रिकॉर्ड करके भी आप यूज कर सकते हो। और चौथा इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस, आपके फ़ोन में अगर पहले से आपका वॉइस टेक पड़ा है उसे भी आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे चार चॉइस दे रखा हो, तो मैं सबसे पहले ऊपर वाला चॉइस करता हूँ बेस्ट ऑनलाइन वॉइस। तो ये आ गया यहाँ पे नेम लिखने का। तो यहाँ पे नेम में आपको डीजे रहने देना, जो भी नाम आपको लिखना है लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई सा भी नाम। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने नाम लिख दिया है कुछ भी, तो यहाँ अपना नाम लिख लेना है। और ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो ये यूज नहीं होगा, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, अगर मैं इतना बड़ा लिख दिया और मेक नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है, नेम शुड बी स्मॉल। तो ये कह रहा है स्मॉल मतलब नाम छोटा रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा आप नाम मत रखना, तो कुछ छोटा ही रखने का आप प्रयास करना। तो और मेक यहाँ पे नॉर्मल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो इको डाल सकते हो, लिली इको, लिली रोबोट, लूना, ये सब के बाद बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो इको वाला ही अच्छा लग रहा था तो मैंने इको डाल दिया, इको वाला। और आपको ये दो चीज़ अच्छा लगेगा यहाँ से, इको वाला मतलब आप चूज करके देख लेना कौन सा अच्छा है, आप यूज कर लेना। तो मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा था और मैंने फिलहाल अभी इको कर रखा है। इको करने के बाद मेक वॉइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नेम बन के आ जाएगा। तो यहाँ से आप प्ले कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल प्ले करके नहीं बता सकता क्योंकि मेरे
हाँ फोन में माइक लगा हुआ है तो ओके। तो यहाँ पे मैं यूज पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ फिर से ऐड आ चुका है, तो भाई थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। फिर मैं ऐड को कैंसिल कर दिया एंड देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक आ गया फर्स्ट में, दूसरा में मेरा नाम आ गया डीजे राहुल लिखा हुआ है यहाँ पे, और तीसरा में आ गया सॉन्ग वॉल्यूम एंड डीजे नेम वॉल्यूम। तो देखो अब आपको क्या करना है, सॉन्ग वॉल्यूम उतना ही रहने देना एंड डीजे नेम वॉल्यूम को थोड़ा हाई कर देना क्योंकि आपका नाम सॉन्ग से ज़्यादा रहेगा जो भी सुनाई देगा। अच्छा और यहाँ पे बात आ गया गैप का, तो 30 सेकंड यहाँ पे देख सकते हो गैप है ये सॉन्ग में, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। 30 सेकंड बाद बजाना है अपना नाम, या फिर 15 सेकंड बाद, या फिर 45 सेकंड बाद, या फिर 60 सेकंड बाद आपको बजाना है अपना नाम, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैं 30 सेकंड ही रहने देता हूँ एंड स्टार्ट मिक्सिंग पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपका नाम यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कह रहा है स्टार्ट मिक्सिंग वॉच वीडियो ऐड फर्स्ट टू स्टार्ट मिक्सिंग, तो यहाँ पे वीडियो ऐड देख के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वॉच एंड वीडियो तो देख सकते हो यहाँ पे एक ऐड आ चुका है, उसे मैं वॉच कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड को वॉच किया तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट मिक्सिंग मतलब स्टार्ट हो चुका है होना। अब यहाँ पे स्टॉप मिक्सिंग पे क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, और फिलहाल अभी हम रहने देते हैं स्टॉप, मुझे करना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हो रहा है, परसेंटेज भी बता रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ, वैसे बहुत जल्दी हो जाता है तो स्किप करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पे आप इसे प्ले भी कर सकते हो। तो फिलहाल ये मुझे लेके जा रहा है रीडायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो प्ले पे, तो यहाँ पे फिलहाल प्ले हो रहा है और इसमें नाम बजेगा 30-30 सेकंड गैप करके आपका नाम बजेगा, आप सुन लेना। और आपको अगर देखना है कि सेव कहाँ हुआ ये हमारे फाइल में, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको फाइल मैनेजर में जाना है एंड जैसे ही फाइल मैनेजर में जाओगे आप तो यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है। तो म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ डीजे नेम मिक्सर नेट डॉट इन, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो दो सॉन्ग को बना रखा है। तो अभी जो मेरा फ़िलहाल हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 1:33, 5:23, तो अभी 5:24 हो रहा है और 5:23 में ये वाला सॉन्ग अभी कन्वर्ट हुआ है, इसमें मेरा नाम है, आप सुन सकते हो इसे डीजे पर बजा सकते हो। ओके सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियोज में।